यूपी के हाथरस जिले में राजद्रोह और लोगों को उकसाने की साजिश के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक राजनेता और एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ अज्ञात रूप में मुकदमा लिखवाया गया है। इन सभी लोगों को उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और हाथरस कांड पर अफवाह फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर हाथरस के चंदपा थाने में केस दर्ज हुआ है। हाथरस में दर्ज 3 FIR में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर समेत कुल 680 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये FIR यूपी में दर्ज हुई 19 प्राथमिक रिपोर्ट्स के बाद हुई है। इनमें से 13 सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने और शांति भंग करने की साजिश में दर्ज की गई है। इससे पहले रविवार को पुलिसकर्मी की ओर से एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता के परिवार पर गलत बयानबाजी करने और गलत बयान देने का दबाव बनाया था। उन्हें एक राजनेता की ओर से 50 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। इसके अलावा शिकायत में ये भी कहा गया है कि एक पत्रकार की ओर से पीड़िता के भाई से ये कहा गया कि वह अपने पिता को मीडिया में बयान देने के लिए मनाएं, साथ ही वह अपने पिता को यह कहने के लिए भी कहें कि वह सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और बाद में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विदेश से पैसे मंगाकर यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मतभेद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अवधेश की ओर से शिकायत की गई थी। यानी इस केस में अब पत्रकार और नेता भी फंसेंगे। लेकिन सरकार को पत्रकार और नेताओं को फंसाने से पहले कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए कि उनकी ओर से क्या लापरवाही हुई है, उस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, जिस DM को हटाने की बात लगातार कही जा रही है, जिसके खिलाफ की साक्ष्य है, उस पर क्या कार्रवाई की गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।